हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालें, ये शॉर्ट ट्रिक है। बस शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका टाइम सेव होने लगेगा स्क्वायर निकालने के लिए। जैसे कि पहले हम सिंपल से स्क्वायर का निकाल के दिखाते हैं। 11 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर लिखोगे, सेकेंड वाले ब्लैंक में आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिखोगे, 1 1 और 2, क्या आएगा 2, और आखिर वाले में लास्ट डिजिट का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 1। और 11 का स्क्वायर भी 1 2 1 होता है। आप 22 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, पहले फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, फिर दूसरे में इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और लास्ट में सेकेंड डिजिट का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4 8 4। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 4 8 4। अब 77 का स्क्वायर देखते हैं, पहले 7 का स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, सेकेंड पे आएगा इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन, 7 7 ज़ा 49, 49 और को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 98, और आखिर में लास्ट सेकेंड डिजिट का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 49 98 और 49। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये पहला डिजिट है ये आगे कैरी फॉरवर्ड होके ऐड हो जाएगा। जैसे कि लास्ट डिजिट रहेगी 9, 4 98 में ऐड हो जाएगा, कितना होता है, 102, तो 2 और 10 आगे ऐड हो जाएगा, 10 ऐड कर दो 49 में, क्या आ जाएगा, 59। तो 77 का स्क्वायर क्या होता है, 5 9 2 9। 99 का स्क्वायर भी पहले फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, सेकंड पे 9 9 ज़ा 81, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 162, और फिर सेकंड डिजिट का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 81 162 और 81। फिर वही जो इसकी पहली डिजिट्स आई हैं इनको कैरी फॉरवर्ड करके इसमें ऐड करना, लास्ट डिजिट रहेगी 1 8 162 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 170 170 हो जाएगा, तो 170 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ज़ीरो लिखनी है और 17 को आगे फर्दर ऐड करना, तो कितना आ जाएगा, 198। तो 99 का स्क्वायर क्या होता है, 9801। अब आपको इसी तरह 101 का स्क्वायर फाइंड आउट करके लिखना है। इसमें आप डिजिट को दो में तोड़ लीजिए, एक जगह 10 ले लीजिए और एक जगह 1 ले लीजिए। थैंक यू।